कर रहा है मजाक उड़ा रहे मेरा पीछे कर लो यार, बोल बोल के थक गई हूँ इनको। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दिस इज द पार्ट टू डांस प्रैक्टिस का, और आज हम वापस से सभी के टॉक की डांस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पता नहीं कैसी होगी, और हाँ अच्छी कर लेते हैं, पर अब शादी में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब सिर्फ एक दिन बाकी है, परसों ही शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले हमने सोचा थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली डेली व्लॉगिंग है, और मेरी बुआ जी भी आ गई है घर पर, तो उनसे भी मिलवाऊंगी मैं आपको। तो अभी मैं उठी हूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मेरा नहाना भी बाकी है। तो फटाफट से नहा के रेडी होके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज मैं हेयर कट कराने वाली हूँ, और ज़्यादा भी नहीं, स्ट्रेट कट कराऊंगी, क्योंकि पहले मेरे बाल इतने बड़े हैं नहीं, तो नॉर्मली कट कराएंगे। और बहुत सारे काम में मुझे हेयर स्टाइल वगैरह देखना है, कौन सी करना है, सब कुछ। तो व्लॉग में बने रहना एंड तक। तो मैंने शावर ले लिया है, मेरे बाल पूरे गीले हो गए हैं, और मैं तैयार भी हो रही हूँ। पहले तो ये बाल सुखाऊंगी मैं ऊपर जाके छत पे, एंड देन फिर थोड़ा सा रेडी। मेकअप तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी शादियों के सीज़न है ना, तो मैं इतना मेकअप करती हूँ यार, मतलब मैं नेचुरल रहूँगी अब थोड़ी देर, क्या कि शादी के टाइम पे क्या मेरे स्किन पे कुछ होनी, और अच्छे से मैं मेकअप कर पाऊँ। तो शादी के लिए मैंने बचा के रखा है अपनी स्किन को, तो अभी मैं ऐसे ही बेयर फेस ही घूमूंगी। स्किन केयर कर लिया, फेस को वॉश, सीरम, सनस्क्रीन सब कुछ अप्लाई कर लिया है मैंने। तो अभी मैं फटाफट से बालों को सिखाती हूँ, और फिर हम डायरेक्ट बड़े पापा के यहाँ पे मिलेंगे। अब हम रेडी हो गए हैं, अब बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। चलो, और यहाँ पर शादी का माहौल चल रहा है हमारी कॉलोनी में, क्योंकि शादियाँ चल रही है। तो अब हम मम्मी को लेके आर्ची को पिकअप करेंगे, क्योंकि वो कोरियोग्राफर है, वही हमको डांस सिखाती है। उसका कम्प्लीट करेंगे, मतलब उसको बिठाएंगे, और फिर हम सब तीनों निकलेंगे। आ गए बड़े पापा के घर, और ये भी आए, इसको तोप के लेके आए हम। अब हमारा डांस का पार्ट टू बनेगा, कैसी तैयारी चलती है, चलो चलते हैं। हेलो, कैसे हो गाइस? हम सब इकट्ठा हो गए हैं और डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ये तो है ना, बहुत कम दिखता है व्लॉग में, पहली बार आया है। ये कोरियोग्राफर है, इसको भी बहुत अच्छा डांस आता है, इसको हम काम चलाओ जैसा डांस सिखा देंगे। और ये रहा नितिन, ये तो अब हमारे डांस प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड मिली नहीं है, और सेल्फी चालू हो गई इनकी, नाच के दिखाओ तो सामने सामने पे। करो डांस प्रैक्टिस चालू हुई नहीं, बस बैठ जाते, चलो। कर रहे मजाक उड़ा रहे मेरा, पीछे पीछे चलो। डांस का मस्ती ज्यादा हो रही है, करने भी नहीं दे रहे दोनों, कौन नहीं करने दे रहे, मजा उड़ा रहे ये। तो यहाँ पर बैठ के देखो, यहाँ पर बैठ के मैंने वीडियो शूट किया है डांस का, आप फटाफट से देख लो। शादी का कल लगता है, चीज़ मारे आओ, ठुमकी मारे का।
करो ना यार, इनको डांस इतना अच्छा था। करो करो करो, ये भी तो थी अपने पास। आता है कहीं नहीं। करते रहो करते रहो। ये देखो एंजॉय करने वाले। ऐसे ही कर लेते क्योंकि ऐसे करते चलो करो ना। अब करो अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, हमने बहुत सारा खाना भी खा लिया साथ में बैठ के। ये रहा आदित्य, ये बहुत कम आता है हमारे घर पे भी और व्लॉग में भी। डांस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू चल रही है, शाम तक हम यही रहने वाले हैं। ये प्यारा सरूर, मेरे बाल भी बिखर गए हैं और एक गुड्डे से खेल रहा है। अरे इसको तो हटा, वहां पे रखा हुआ है। यहाँ पर देखो सब सेट कर रहे हैं, ये मेरी बुआ की लड़की का ड्रेस है और ये सब हम सेट कर रहे हैं कि क्या क्या पहनना है और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ज्वेलरी वगैरह हम चूज कर रहे हैं। गाइज आप लोगों ने डांस प्रैक्टिस तो देख ही ली, कितना अच्छा डांस परफॉर्मेंस करा और अभी सस्पेंस है, कुछ डांस तो हमने ऐसे ही डांस कर लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे और खाना वाना खा लिया है क्योंकि मैं गई थी किसी की मेहंदी में, हमारे पास में दीदी रहती है उनकी शादी, तो मेहंदी वगैरह लग रही थी तो वहीं पर हमारा खाना था, तो हमने खाना वाना खा लिया है। एंड बस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे एंड बाय बाय गुड नाइट। अब मेकअप रिमूव करके मैं नॉर्मल ड्रेस पहनूंगी, रेस्ट करूंगी। बाय बाय।